Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. हेलो फ्रेंड, एंगल ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 1,30,000 वैकेंसी को नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अंतर्गत ही तीसरा नोटिफिकेशन अभी रेलवे ने निकाला है मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, जिसमें 1,665 पोस्टों के लिए ये आवेदन की मांग की है इन्होंने। तो इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन से बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए या कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 8/3/2019। 8/3 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद ये 7/4/2019 तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी डेट, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अपन फ़ी की डेट बता रहा हूँ मैं आपको कि ऑनलाइन अगर आपको किसी को फ़ी सबमिट करानी है तो 13/4 इसकी लास्ट डेट है, 13/4/2019। और अगर SBI से चालान या फिर पोस्ट ऑफिस से चालान जमा कराना है तो उसकी लास्ट डेट है 11/4/2019। इसी के साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है वो है जून और जुलाई 2019 के अंदर। तो ये है इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर है या जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। सिर्फ वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है जिसके पास डिग्री अवेलेबल हो इस फॉर्म की डेट से पहले की। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको सेकंड चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टेज ऑफ एग्जाम। आखिर ये जो एग्जाम अपना होने वाला है वो कितनी स्टेजों में होगा। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपके अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग चीज़ें इसमें दी गई है। सेकेंड प्रोसेस क्या होगी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि स्टेनोग्राफ स्किल टेस्ट होगा, ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। ये तीनों जो टेस्ट दिए हुए हैं, ये तीनों टेस्ट जो है वो अलग अलग पोस्टों के लिए है। कि जैसे कि अगर किसी को स्टेनोग्राफ के लिए अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उसका सेकंड जो होगा वो स्टेनोग्राफ स्किल टेस्ट होगा, और ट्रांसलेशन टेस्ट सेकंड प्रोसेस होगी CBT 1 के बाद। ऐसी परफॉर्मेंस टेस्ट सेकंड प्रोसेस होगी, ऐसी टीचिंग स्किल टेस्ट सेकंड प्रोसेस होगी इसकी। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अगर जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं और उसका पेपर देंगे, उनको इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना है कि इसके अंदर CBT 1 के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये पहला नंबर 14 के अकॉर्डिंग सारा नॉर्मलाइजेशन होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले CBT 1 होगा, उसके बाद सभी पोस्टों के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं, उसके बाद फिर आपका DV होगा। तो ये है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसके अंदर CBT 1 के अंदर, कि जो भी स्टूडेंट और जिस भी पोस्ट के लिए भर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों, मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन यही है कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर आपका नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है सिर्फ वही हमें फॉर्म में भरनी है। इसके अलावा कुछ और नहीं भरनी हमें फॉर्म में, या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या वही है 10वीं क्लास की जो भी आपके नेम लिखा हुआ है वही भरना है आपको। यही सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें सबसे पहले तो आपको दिया गया है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके अंडर ये है कि आप ग्लास या विदाउट ग्लास दोनों इसके अंदर मतलब फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो ग्लास लगा रखे उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी जो विजन जो होता है वो 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन C1 और C2 के अंदर ऐसी कोई कंपलसेंट नहीं है, इसके अंदर विद और विदाउट ग्लास दोनों अलाउ है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट इसके अंदर चार ग्रुपों में दी हुई है। तो पहला ग्रुप जो है वो है 18 से 30, दूसरा ग्रुप है 18 से 33, तीसरा ग्रुप है 18 से 40, चौथा ग्रुप है 18 से 45, और पांचवा ग्रुप जो है वो 20 से 35। पांच ग्रुपों में दी हुई है ये एज ग्रुप जो है। ये जो एज ग्रुप है ये अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज ग्रुप है, तो ये जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमें स्पेशली इनका ध्यान देना है। इसके अंदर एज ग्रुप के साथ साथ इसमें अपर लिमिट ऑफ एज और लोअर लिमिट ऑफ एज दी हुई है, और वो सबके लिए जनरल OBC और SC ST के लिए अलग अलग दी हुई है। जैसे कि पहला जो एज ग्रुप है 18 से 30, इसके अंदर दी हुई है अपर लिमिट 2/7/1989, और जो लोअर लिमिट दी हुई है वो 1/7/2001 दी हुई है। ऐसे ही बाकी के सभी एज ग्रुप के लिए अलग अलग इन्होंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है।
इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर जो है उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एससी एससी एसटी के लिए 5 ईयर का है, एक्स सर्विस मैन के लिए अलग से रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ और भी जो हमारी पोस्ट हैं उनके लिए, जैसे पीडब्ल्यूडी है उसके लिए जनरल के लिए 10 ईयर का है, ओबीसी के लिए 13 का है, एससी एसटी के लिए 15 का है, और सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। आप इसको पूरा देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन कैसे किस प्रकार से दिया हुआ है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन फीस देखते हैं अपन कि जो भी कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं उनका एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये लग रही है, और 400 रुपये आपको सीबीटी 1 के बाद रिफंड हो जाएंगे, 400 रुपये कम्प्लीटली रिफंड हो जाएंगे। सेकंड जो चीज़ है, फीमेल ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन और जो एस सी एस टी और माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके 250 रुपये लग रहे हैं, और 250 पूरे रिफंड हो जाएंगे आफ्टर सीबीटी एग्जाम। तो दोस्तों रिजर्वेशन में हम देखते हैं कि जितने भी एसटी एससी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के कैंडिडेट हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कम्प्लीटली करवा लें, और स्पेशली एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एग्जाम के फॉर्म के दौरान आपका स्कैन होगा, इसलिए आप पहले से उसको रेडी रख लें। स्पेशल और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने चाहता हूँ कि जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है इसके अंडर मैं आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट ने अभी 10% आरक्षण दिया हुआ है, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है सबसे पहले तो 8 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी, जैसे कि 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये सारी जो कंडीशन जो फुलफिल करता है जो बंदा, वो फॉर्म ईडब्ल्यूएस से भर सकता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। आपको मैंने पहले बता ही दिया कि सीबीटी 1 एग्जाम होगा, उसके बाद आपके स्किल टेस्ट होगा, और मैं आपको बताता हूं कि जो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और इसके साथ साथ आपके सेक्शन वाइज मार्क्स दिए हुए हैं कि भाई कितने सेक्शन वाइज मार्क्स हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको सेक्शन वाइज मार्क्स दिख रहे हैं ये सिर्फ जूनियर जो स्टेनोग्राफ हिंदी और इंग्लिश है, इन सब इनको छोड़ के जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए ये ही आपका सिलेबस मेंशन है कि ये ही चीजें आपके आएगी, जिसके ना प्रोफेशनल एबिलिटी है 50 मार्क्स की जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल एवरेज है वो 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक के 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। ये स्टेनोग्राफ को छोड़ के जितनी भी पोस्टें हैं उन सब के लिए ये सिलेबस है। इसके साथ साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसके साथ साथ मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर ये सब चीज़ें आ रही, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। ऐसे जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ऐसे जनरल एवरेज का दिया हुआ है, ऐसे जनरल साइंस का दिया हुआ है, और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने को मिनिमम परसेंटेज एलिजिबल परसेंटेज जो है वो कितनी चाहिए। तो जनरल के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है, ओबीसी और एससी के लिए 30% है, और एसटी के लिए 25% है। तो ये सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया है, ये कोई कट ऑफ से रिलेटेड कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफ का जो फॉर्म भरेंगे उन स्टूडेंटों को मैं बताना चाहता हूं, उनके लिए ये सिलेबस मेंशन किया है कि जनरल एवरेज होगी 50 नंबर की, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ये भी 50 नंबर की। तो टोटल मार्क्स जो है वो 100 नंबर के हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 है इन दोनों के। तो आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक चीज चुन सकते हो, अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश ले सकते हो। और जो जनरल एवरेज का जो टॉपिक है इसके अंदर ये नहीं है कि भाई सिर्फ जीके आ रही है, इसके अंदर मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंटेलिजेंट रीजनिंग और जनरल एवरेज, मतलब जो पार्ट वन जो आपको ऊपर दिखाया गया पूरा सिलेबस वही सिलेबस जनरल एवरेज के अंदर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके आएगी, 50 जो क्वेश्चन आ रहे हैं अपने वो इन सब चीजों से आएंगे। और सेकंड जो पेपर होगा पार्ट सेकंड वो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जो हम लैंग्वेज चुने हिंदी में चुन, हिंदी का देना चाहे तो हिंदी का दे सकते हैं, इंग्लिश का देना चाहे तो हम इंग्लिश का दे सकते हैं। और जो इसका सिलेबस जो होगा वो 8 से 9 स्टैंडर्ड तक इसका सिलेबस आएगा पूरा हिंदी और इंग्लिश का। और जो इसके अंदर सीबीटी 1 के बाद जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, और इसके बाद जो प्रोसेस होगी स्टेनोग्राफ की वो स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट के अंदर इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हमारी, जो ड्यूरेशन 10 मिनट का मिलेगा, और हिंदी के अंदर 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, तो ड्यूरेशन 10 मिनट का, लेकिन
इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट टाइम जो है इसमें 50 मिनट का है, इसमें 65 मिनट का है। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश के अंदर हमें टाइपिंग की स्पीड पता होना चाहिए कितनी कितनी स्पीड हमारी होगी। नेक्स्ट है, तो दोस्तों मैं आपको पोस्ट पैरामीटर बताना चाहता हूँ कि भी कौन कौन सी पोस्ट है, उनके लिए क्या क्या पैरामीटर है। तो पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफ की, हिंदी की, ठीक है। तो इसके अंदर सारी चीज़ लिखी गई है कि पे स्केल क्या है आपका और क्या नाम है, लेवल कौन सा है, 7 पे कमीशन। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, 12th होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए इसके साथ साथ, या 12th हो या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से। साथ में जो कि जो बंदा शॉर्टलिस्ट होगा उसको मतलब वही स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट है ये अनिवार्य है इसके अंदर। और जूनियर स्टेनोग्राफ इंग्लिश के अंदर भी सेम प्रोसेस यही है। और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एज कंपलसरी फॉर द इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये आपके पास, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ये ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इनके अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन जो कि डिप्लोमा होना चाहिए या लेबर लॉ के अंदर, या पीजी डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट में, एमबीए होना चाहिए, ये इसके साथ साथ होना चाहिए। ऐसे ही ये है चीफ लॉ असिस्टेंट, तो इनके अंदर भी आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ में आपके पास 3 ईयर का लॉ में डिप्लोमा होना चाहिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd केमिस्ट्री मेटलॉजिस्ट, जिसमें 12th होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री से, 12th होनी चाहिए इसमें, या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा का लैब टेक्नोलॉजी के अंदर। ऐसे फिंगरप्रिंट एग्जामिनर है, इसके अंदर भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिंगरप्रिंट के अंदर। हेड कुक है, हेड कुक में 12th होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या इसके साथ साथ इसके अंदर कुकरी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे कुक के अंदर भी आपके पास कुकरी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो सीनियर पब्लिश्ड इंस्पेक्टर जो है, इसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी पोस्टें हैं जो दोस्तों आपको दिख रही है, एक एक पोस्टों का आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं ताकि क्या क्या क्वालिफिकेशन है इनके अंदर, और पूरी पोस्टों को ढंग से क्वालिफिकेशन का अच्छे से देख के और फिर ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें। ये कम्प्लीटली आपको सारी पोस्टें दिखाई दी जा रही है, आगे कितनी कितनी पोस्टें आपकी, ठीक है दोस्तों। ये आपकी पोस्टें हैं और ये पोस्टें आपको दिखाई जा रही है, और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी दिक्कत बता सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी पोस्टें हैं उनके लिए टोटल इस नोटिफिकेशन के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपका मेंशन किया हुआ है, कि जैसे भी जो भी बंदा स्टेनोग्राफ का है तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा, जो भी पोस्ट है उसके लिए क्या सिलेबस होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या आपको पूरा नोटिस मिल जाएगा और उसके अंदर आप अपना सिलेबस आराम से पूरा देख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।